हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ की एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे और उसका नाम है द लॉस्ट लीव बाय ओ हेनरी। राइटर के बारे में जानते हैं, विलियम सिडनी पोर्टर, बॉर्न ऑन सितंबर 11, 1862 एंड डाइड ऑन June 5, 1910, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है वो इसका पेन नेम है, रियल नेम उसका विलियम सिडनी पोर्टर है। वो क्या था, वो एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर था। His stories are known for his for their surprise endings. इसकी stories की जो endings है वो क्या है, summary है इस short story की। A girl named Jonsi catches pneumonia. एक लड़की है इस story में, उसको pneumonia हो जाता है। Her bed was near the window. उसका bed near नज़दीक है window के, which overlooked the brick wall. जहाँ से एक ब्रिक वॉल दिखाई देती है आपका ऑपोजिट हाउस, उसके जो ऑपोजिट में हाउस है। ए वेरी ओल्ड इवी वाइन क्लाइम्ड हाफ वे ऑफ द ब्रिक वॉल। एक क्लाइंबर एक ये है प्लांट है, वो सामने वहाँ ऊपर हाफ वे दीवार तक वो चढ़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है उसे। एंड इट्स लीव्स वर फॉलिंग, चूँकि वो ऑटम सीजन है, वहाँ उसके पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, एक एक करके पत्ते गिर रहे हैं। ए स्ट्रेंज आइडिया टुक होल्ड ऑफ जॉनसीज माइंड, एक अनोखा जो है वो आइडिया उसके माइंड में आया। शी बिगेन टू थिंक दैट वेन द लास्ट ईवी लीफ फेल, जब वो लास्ट उसका ईवी लीफ जो है वो गिर जाएगा, तो पत्ता गिर जाएगा लास्ट, शी वुड ऑल्सो पास अवे, यहाँ पे पास अवे वो भी मतलब मर जाएगी। हिज हर कंडीशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, उसकी कंडीशन जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। विद फॉलिंग ऑफ ईच लीफ फ्रॉम द ईवी, जूं जूं पत्ते गिर रहे थे उसी तरह से उसकी जो है कंडीशन भी बैड टू वर्स होती जा रही थी। हर फ्रेंड थी स्यू, ट्राइड बेस्ट टू गेट दिस फुलिश आइडिया आउट ऑफ जॉनसीज माइंड, ये जो बेवकूफाना उसका जो आइडिया था, प्लान था उसका, उसके माइंड से वो निकालना चाह रही थी, बट वो फजूल अभी तक उसका जो आइडिया था वो उस कोशिश जो थी वो कामयाबी नहीं उसको मिल रही थी सू को। वेन ओनली वन लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द ईवी बिगेन टू प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर डेथ, जब लास्ट लीफ बचा था उस ईवी पे, उस क्लाइंबर क्लाइंबिंग उस पे प्लांट पे, तो जो जॉनसी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी फॉर डेथ। देन सू थॉट ऑफ ए प्लान, तब सू जो जॉनसी की फ्रेंड है उसके मन में एक विचार आता है, एक मंसूबा उसके माइंड में आता है, टू सेव द लाइफ ऑफ हर फ्रेंड, अपनी दोस्त की जान जो बचाई जाए। व्हेन जॉनसी वाज एस्लीप एट नाइट, जब रात के वक्त गहरी नींद में थी जॉनसी, सू वेंट टू एन ओल्ड पेंटर नेम्ड बैरमैन, बैरमैन एक पेंटर था, बड़ा मशहूर पेंटर था, उसके पास चली गई। इट वॉज रेनिंग हार्ड, बहुत खूब बारिश हो रही थी। एंड द ईवी फेल लीफ फेल ड्यूरिंग द नाइट, और ईवी जो लास्ट लीव था वो भी गिर गया। बैरमैन पेंटेड ऑन द वॉल ए लीफ इन ग्रीन कलर, उसी कलर का, ग्रीन कलर का उसने पेंट किया वो लीफ, विच लुक्ड एग्जैक्टली लाइक द रियल लीफ, ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि वो रियल और हूबहू वही पत्ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉनसी वोक अप, अगली सुबह जब जॉनसी जो जागी, शी बिगेन टू वेट फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल, वो वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि जब वो कब वो लास्ट लीफ जो है वो गिरे ईवी से और वो उसकी डेथ भी हो जाए। बट द लीफ डिड नॉट फॉल इवन आफ्टर नेक्स्ट टू डेज एंड टू नाइट्स, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा, दो दिन और अगली दो दिन और अगली दो रात भी वो पत्ता नहीं गिरा। इट फिल्ड जॉनसी विद ए न्यू होप, एक नई उसमें नई ख्वाहिश, नई उम्मीद जागी जॉनसी के माइंड में। हर कंडीशन बिगेन टू इम्प्रूव, उसकी जो हालत थी वो हालत में सुधार होने लगा। व्हेन शी वाज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर, सी टोल्ड, जब वो
कम्प्लीटली मतलब खतरे से बाहर थी मुकम्मल तौर से। तो सू जो उसकी फ्रेंड है उसने उसे सारी स्टोरी बताई। लास्ट लीफ वाज नॉट की वो जो लास्ट लीफ था वो रियल नहीं लीफ नहीं था बल्कि वो क्या थी, वो पेंटिंग थी, पेंटिंग बाय बैरमैन। शी आल्सो टोल्ड हर दैट बैरमैन हैड वर्कड इन रेन ड्यूरिंग द नाइट। उसने ये बताया कि वो जो पेंटर था, पेंटर ने रात भर उस वो पेंटिंग की एंड हैड कॉट नमोनिया, उसे भी नमोनिया हो गया। ही डाइड द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो उसकी मौत हो गई। बैरमैन हैड डिजायर्ड ऑल हिज लाइफ टू पेंट ए मास्टरपीस। पूरी जिंदगी उसने एक ख्वाहिश की थी कि वो मास्टरपीस जो पेंट करे, बट हैड नेवर बीन एबल टू बिगिन इट, लेकिन कभी वो शुरू भी नहीं कर पाया उसे। बट द लास्ट लीफ दैट ही पेंटेड बिफोर हिज डेथ रियली प्रूव्ड हिज मास्टरपीस। लेकिन जो भी जो उसने लास्ट लीफ पेंट किया था वो रियली एक मास्टरपीस साबित हुआ। तो ये है स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए देखते हैं इसमें लैंग्वेज वर्क क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiomatic एक्सप्रेशंस एंड यूजिंग them फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ये कुछ idioms हैं, इनको आप लोगों ने आपने क्या करना, मीनिंग लिख के और अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना।